आज की वीडियो बहुत ही अलग। इस बिल्ले को अभी हमने ये वाला बिल्ला जो इतना प्यारा नजर आ रहा है ना, इसको भी हमने 2 दिन पहले नहलाया है और ये इसकी हालत है। सारी रात लिटर पे लेटा रहा है और ये अब इसको दोबारा से नहलाना पा रहा है। और ऊपर से इसकी शक्ल शक्ल पे तो कह सकता है कि ये मासूम बिल्ला, ये वाला की जो मासूम शक्ल है ना इसकी, यही सारा कुछ करती है। ऐसा ऐसा गंदा हो गया, इतना शदीद, और अभी इतना हमने नहलाया भी है, थोड़ा सा शुरू किया, अभी देखते हैं। ये मुकम्मल नहा गया, क्लियर कर दिया। कम से कम इसकी ये खूबी है कि ये नहा लेता है, अदरवाइज ये बहुत गंदा है। हर एक दिन बाद जैसे नहलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको नहलाते तो नहीं है इतना। आज बहुत ज्यादा गंदा हो गया था इसलिए इसको मजबूरन नहला दिया, वरना रोज रोज तो इसको नहीं नहला सकते ऐसे। चले आपको दिखाते हैं कि कितना साफ सुथरा होता है। ये नहा चुका है और ये साफ सुथरा हो गया। ये देखिए, जहां जहां इसको लेटा था ना, सारा इसको हमने क्लियर कर दिया। ये बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद इसने वापस उतना ही गंदा हो जाना है। तो हमारी सारी की कराई मेहनत पे ना, जिसकी नीली आंखें है ना, ये पानी फेर देती है, इतनी प्यारी प्यारी सी आंखें। अगर आपका बिल्ला या बिल्ली ऐसे गंदे होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको 1 वीक बाद बाथिंग जरूर दे दें, जैसे कि हम इसकी 1 वीक बाद बाथिंग देते हैं। आज इसको इमरजेंसी बेसिस पे इसलिए नहलाया है क्योंकि इसने अपने ऊपर सारा का सारा स्टूल, लिटर, यूरिन सब लगाया हुआ था। अगर ये ओरली इसको इंटेक करता तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाता, इसलिए हमने इसको इमरजेंसी बेसिस पे बाथ दिया। इस कंडीशन में आप बाथ दे सकते हैं, विंटर है तो वार्म वाटर से बाथ दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।